अर्थ -32 गॉथम सिटी। डार्क मल्टीवर्स की कुछ ऐसी कहानियां जिसकी वजह से डार्क नाइट नहीं बल्कि कोई और ही पैदा हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं गॉथम सिटी में ब्रूस वेन अपने माता पिता के लाशों के सामने खड़ा था और एक आदमी उसे धमका कर वहां से भाग रहा था। उस वक्त ब्रूस वेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि डर भी नहीं। और इसी की वजह से वहां से गुजरती हुई एक लैंटर्न रिंग उसे चूज करती है एक ग्रीन लैंटर्न के तौर पर, क्योंकि ब्रूस वेन के दिल में अब डर नहीं था। और तभी वो उस रिंग को पहनकर उस आदमी के पास पहुंचता है जिसने उसके माता पिता को मारा था, और वो रिंग से ये कहता है कि उसे मार दो, लेकिन रिंग उसका ऑर्डर ओवरराइड करती है और कहती है कि लिटल फोर्स एक्टिवेट नहीं की जा सकती। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्रूस वेन की, भले ही वो बच्चा हो लेकिन विल पावर में उसका कोई मुकाबला नहीं। और आखिरकार लैंटर्न रिंग उसके सामने हार मान लेती है और लिटल फोर्स एक्टिवेट करके उस आदमी को मार देती है, और साथ ही साथ वो उस लिटल फोर्स की मदद से अपने माता पिता को भी जिंदा कर देता है। पहले पहले वो मुझे हीरो कहने लगे, लेकिन ये टाइटल ज्यादा दिनों के लिए बरकरार नहीं रहा, क्योंकि मैं उन लोगों को बड़ी बेरहमी के साथ बिना किसी पछतावे के और ना ही किसी सीमा के मार रहा था। क्योंकि अगर मेरे माता पिता जीना डिजर्व नहीं कर सकते तो फिर ये लोग क्यों डिजर्व कर रहे हैं। और तब हम देखते हैं जिम गॉर्डन को ग्रीन लैंटर्न को समझाते हुए कि ऐसा करना सही नहीं है, और जिम गॉर्डन ग्रीन लैंटर्न से पूछता है कि पेंगुइन के साथ क्या हुआ, जिस पर वो जिम गॉर्डन को बताता है कि उसने पेंगुइन और उसके साथियों को कैसे मारा। पहले डार्कनेस का सहारा लेकर उसने उसकी पूरी गैंग को मार दिया, और बाद में पेंगुइन को स्पेस में ले जाकर एस्ट्रॉइड फील्ड में छोड़कर उसे मार दिया। उस पर गुस्सा होकर जिम गॉर्डन उससे कहते हैं, लैंटर्न तुम ये जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं है, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ क्या करोगे, लेकिन तुम्हारे सामने किसी ना किसी को तो खड़ा ही होना पड़ेगा ये सब रोकने के लिए। जिस पर ब्रूस वेन उससे कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो। जिस पर वो कहता है, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ब्रूस हो। जिस पर गुस्सा होकर वो कहता है, अपना मुंह बंद रखो, और मुझे लगता है कि तुम्हारी एक बेटी है, और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारे बिना ही बड़ा होना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर ग्रीन लैंटर्न कॉप और उसके बॉसेस आ जाते हैं, और वो ब्रूस वेन से ग्रीन लैंटर्न रिंग मांगने लगते हैं, लेकिन अपनी लैंटर्न रिंग की लिटल फोर्स की मदद से वो उन सभी पर अकेला ही भारी पड़ता है और उन सभी को मार देता है। लेकिन क्या तुम सोच सकते हो कि सबसे पावरफुल वेपन जो कि मेरी फिंगर पर है, उसके बावजूद भी मैं कमजोर और हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ, मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ, और मैं ये सब और नहीं झेल सकता। मैं अब और ब्रूस वेन नहीं बनना चाहता, मैं अभी ग्रीन लैंटर्न नहीं बनना चाहता, मैं अभी लैंटर्न के आगे खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि शेडोज मेरे साथ सबमर्ज हो चुकी है, और ये डार्कनेस मुझे अपने अंदर खींच रही है, और इस वजह से मैं अब बनूंगा बैटमैन द डाउन ब्रेकर। और इसी के साथ ये एपिसोड शुरू होता है, बैटमैन द डाउन ब्रेकर। और उसी वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी दुनिया तबाह हो रही है और इसे बचाने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये ऐसा ही था जैसे मेरे अंदर खालीपन उमड़ रहा था और ये डार्कनेस सब कुछ कंज्यूम कर रही थी, सब कुछ। हम तारे भी नहीं देख पा रहे थे, और तभी बैटमैन वो लाफ साकर डाउन ब्रेकर को वही ऑफर देता है जो रेड डेथ और मर्डर मशीन को दी थी, और कहता है, तुम मुझे मैन हु लाफ्स कह सकते हो, और मेरे साथ रेड डेथ और मर्डर मशीन भी है, और मुझे लगता है कि तुम लोग बहुत ही जल्दी अच्छे दोस्त बन जाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें तुम लोगों में कॉमन है, रिवेंज, जस्टिस और पहला नाम। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा वर्ल्ड है जो कि लाइट से भरा हुआ है, वहाँ के लोग लगभग पागल है और उन्हें डार्कनेस में आना ही चाहिए, और इसके लिए हमें तुम जैसे लोगों की मदद चाहिए, तुम जैसे डार्कनेस के वॉरियर की, और मेरे लॉर्ड इसके लिए डिमांड कर रहे हैं कि तुम्हारे जैसा कोई हमारे लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। अब तुम्हारे पास दो चॉइस है कि तुम या तो घुटने टेक को बार्बाटॉस के सामने या फिर मरो, और अगर तुमने हमारे साथ हाथ मिला लिया तो बार्बाटॉस तुम्हारे पेरेंट्स को फिर से जिंदा कर देंगे। अर्थ जीरो मल्टीवर्स की पहली अर्थ कोस्ट सिटी, जहाँ पर डाउन ब्रेकर आकर तबाही मचा रहा था, और उसका सामना करने आता है हेल जॉर्डन यानी कि ग्रीन लैंटर्न। लेकिन अपने रिंग के लेथल फोर्स की मदद से वो कुछ ऐसे क्रिएचर्स क्रिएट कर देता है जो हेल जॉर्डन को निगलने लगते हैं, और डाउन ब्रेकर उसे देखकर कहता है, मैं पहले भी लैंटर्न कॉप को हरा चुका हूँ तो तुम्हें हराना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। और वो जैसे जैसे उन क्रिएचर्स के अंदर जा रहा था वो डार्कनेस में घिर रहा था, लेकिन तभी डॉक्टर फेट अपना पोर्टल ओपन करके
हेल जॉर्डन को उसके अंदर बुला लेते हैं, लेकिन ग्रीन लैंटर्न उससे कहता है कि मुझे अपनी सिटी को बचाना है, लेकिन डॉक्टर फेट उस पर जवाब देते हैं, तुम्हारी जरूरत कहीं और है हेल जॉर्डन, अगर हमें मल्टीवर्स बचाना है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। और तब यहाँ पर डाउन ब्रेकर गुस्से में कह रहा था कि इस सिटी ऑफ होप को हेल्पलेस महसूस करना होगा, जो खालीपन मैंने महसूस किया है वो इन सबको महसूस करना पड़ेगा।